लॉकडाउन के दौरान खरखोदा में हुई शराब घोटाले के मामले में न्यायालय के आदेश पर अब शराब को नष्ट करने का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत आबकारी विभाग और डीएसपी रविंदर के नेतृत्व में अवैध रूप से पकड़ी गई 8,000 से भी ज्यादा शराब की पेटियों के ऊपर रोड रोलर चलाकर उनको नष्ट किया गया। इस मौके पर मौजूद डीएसपी डॉक्टर रविंदर ने बताया कि यहां पर कुल 34,000 शराब की पेटियों को नष्ट किया जाना है और 8,064 शराब पेटियां जिनकी भरी प्लास्टिक की बॉटल्स को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बहुचर्चित खरखोदा शराब कांड, जहां लॉकडाउन के दौरान भारी मात्रा में पुलिस द्वारा अलग अलग केस में शराब पकड़ी गई, अब उस अवैध शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट करने का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। इसके लिए आबकारी विभाग और पुलिस विभाग लगातार अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट करवा रही है। आबकारी विभाग और डीएसपी डॉक्टर रविंद्र के नेतृत्व में शराब की 8,064 पेटी को मौके पर जेसीबी और रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया। सोनीपत डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि यहां पर कुल 34,000 शराब की पेटियों को नष्ट किया जाना है, जिनकी कार्यवाही शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं भी शराब का अवैध कारोबार करता हुआ उनकी नजरों में आए तो वो पुलिस को जरूर सूचना दें, ताकि अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसी जा सके। में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन होती है कि कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रॉय करें, और जहाँ तक यहाँ की बात है, जो भी हमारी कांच की बोतलें हैं उनमें से हम उन कांच की बोतलों को एम्प्टीज कर रहे हैं, और जो दारू है उसको गड्ढे में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और जहाँ तक ये प्लास्टिक बोतल की बात है उनको हम क्रश करवा रहे हैं। देखिएगा, इसमें पर्टिकुलर कोई भी डे का कोई टारगेट हमने अभी तक रखा नहीं है। हमारी कोशिश रही कि जल्द से जल्द इसको निपटा दिया जाएगा, और जितनी भी हमारी 33,000 के करीब की पेटियां है इसको सबको डिस्ट्रॉय। बहरहाल, अदालत के आदेश से कुल 34,000 शराब की पेटियों को नष्ट किया जाना है। गौरतलब है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक साथ 34,000 से ज्यादा शराब की पेटियों को नष्ट करने की कार्रवाई खरखोदा में हो रही है, जो कई दिनों तक चलने के आसार हैं। इससे पहले कभी भी प्रदेश में इतनी ज्यादा शराब एक साथ नष्ट नहीं की गई है। कविता शर्मा, सोनीपत।